और उसके अंदर किस तरह से आप एक्सेल स्प्रेडशीट का यूज कर सकते हैं या और भी जो ऑप्शंस हैं वहाँ पर उनका यूज हमें किस तरीके से करना है। इंसर्ट के अंदर जब आप टेबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे। हमने इंसर्ट और ड्रॉ टेबल तक कंप्लीट कर लिया है, नीचे के दो ऑप्शन हमें देखने हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट की। तो जो एक्सेल स्प्रेडशीट है इसके अंदर आपको एक एक्सेल का छोटा सा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जिसके अंदर आप सारे काम एक्सेल के जैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर। जैसे आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे एक जो बॉक्स आपके सामने शो कर रहा है, ये तो आपका एक्सेल का पूरा शो कर रहा है आपको बॉक्स, और ऊपर से भी आपके पास सारे जो मेन्यू है वो सारे टैब ऑप्शन सब आपके एक्सेल के कन्वर्ट हो गए। इसका बेनिफिट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक छोटा सा टेबल बना के दिखाता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर लिखा नेम, हिंदी, इंग्लिश, दो ही हम लिख लेते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पर टोटल करेंगे और अगले सेल में हम एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने नाम के लिए एक डेमो नाम ऐसे ले लेते हैं, ABCD। यहाँ पर हमने एक रैंडम कुछ नंबर दे देते हैं इनको। तो सबसे पहली चीज़ तो यही होती है कि इसके अंदर डेटा को बनाना और डेटा को रखना बहुत ही इजी हो जाता है। इसको हम टेबल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अभी आपका ये एक्सेल की शीट पे है। अब जैसे मुझे सम का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है तो हम डायरेक्टली सम का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हम एक्सेल की शीट में काम कर रहे हैं और बाद में इसको हम वर्ड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सम का फॉर्मूला लगाया, इन दोनों को सिलेक्शन किया, नीचे तक इनको हमने ड्रैग कर लिया। ऐसे हम एवरेज का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से एवरेज निकल गया। अब अगर इस टेबल को हमें नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट करना है, जैसे या मान लीजिए इसके ऊपर मुझे बॉर्डर और भी कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, तो सब कुछ आप कर पाएंगे। यहाँ पर हमने सिलेक्शन किया, इसको आप चाहते हैं सेंटर में कन्वर्ट करना तो आप सेंटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप चाहते हैं ये थोड़ा सा बोल्ड दिखे तो बोल्ड दिख जाएगा, आप चाहते हैं कि इसका हाईलाइट करना चाहिए इस तरीके से, और ये पूरा एरिया आपका बॉर्डर में कन्वर्ट होना चाहिए। यहाँ पर हम बॉर्डर भी अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर। तो ये देखिए डेटा को कितने आसान तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको टेबल नहीं बनानी तो आप एक्सेल के अंदर टेबल बना के उसको वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको बाहर क्लिक करना है तो वो जो है आपका नॉर्मल वो वर्ड के ऊपर इस तरीके से आपका देखिए आपको शो कर जाएगा जो टेबल आपने यहाँ पर डिजाइन किया था। दो बार क्लिक करेंगे तो वापस से आप एक्सेल शीट में आ जाएंगे, वापस आप बाहर क्लिक करेंगे तो वापस से वो आपका टेबल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप क्लिक करते हैं इसके अंदर तो आप इस तरीके से देख पाएंगे कि ये टेबल बन चुका है आपका, ठीक है। इसको आप कहीं पर मूव कर सकते हैं या इसका साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये जो आपको एरो दिख रहे हैं तो वो सारी चीज़ें जो आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका एक्सेल का स्प्रेडशीट, इसको हटा देते हैं। इसके बाद जो लास्ट का ऑप्शन है ये है आपका क्विक टेबल्स। यहाँ पर क्विक टेबल्स में आप कैलेंडर के टेम्पलेट मिलते हैं जिसमें आप एडिट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो आपके पास कैलेंडर होंगे उनके अंदर भी आप एडिट करके काम कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए डिजाइन करना है इसका मुझे, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इसके अंदर। जैसे मान लीजिए ये वाला टेम्पलेट मैंने यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया। अब फरवरी के अंदर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम चेंजेस कर देते हैं, फैब लिख देते हैं। इसके बाद मंडे ट्यूसडे सब सही चल रहा है, लेकिन आप देख लीजिए 1 तारीख कब की हमारी पड़ रही है, तो उससे पहले के आपको हटा देना है, ठीक है। हम उस तारीख को ही 1 रख के चलेंगे। जैसे 1 हमारा इसमें थर्सडे को पड़ेगा और ये जो है आपका महीना फरवरी का ये 29 का है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर 1 रखना है, फिर टैब की प्रेस करके आपको 2, 3, 4 इस तरीके से कन्वर्ट करते हुए आपको चलना है। लेकिन ध्यान भी आपको दे रहा है कि जल्दबाजी में आप कोई संख्या को रिपीट ना करते या फिर कोई संख्या को मिस ना करते। तो यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट पूरा बना लिया है और ये 29, तो ये तो बन गया। अगर आप चाहते हैं कि आपका संडे हाईलाइट होना चाहिए तो आप संडे वाले एरिया को सिलेक्शन कर लेंगे, ये पूरा ही कर लीजिए आप करना है तो। आपको यहाँ पर आपको शेडिंग का ऑप्शन भी दिखाई देगा, आप शेडिंग पे जाके लाल कलर अप्लाई कर सकते हैं, और फिर आपका जो फॉन्ट का कलर है उसके लिए आप होम टैब में जाके फॉन्ट कलर का सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी आप चाहते हैं कि ऊपर के जो आपके ये रो है ये आपके बोल्ड दिखने चाहिए तो सिलेक्शन करके आप इनको बोल्ड कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपका टेबल और छोटे में एडजस्ट हो जाए तो आप उसको और छोटे में भी एडजस्ट कर सकते हैं। आपको लेआउट टैब के ऊपर जाना है और यहाँ पर ऑटो फिट के अंदर ऑटो फिट कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो आपकी टेबल और छोटे में एडजस्ट हो जाएगी। इसी टेबल को आप कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी करने के बाद आपने इसको नीचे पेस्ट किया और फिर फरवरी के बाद इसको मार्च में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरीके से एक पेज पे आप 3-3 या 6-6 के मंथ के कैलेंडर क्रिएट कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। कंप्लीट सीरीज देखिएगा, कंप्लीट कोर्स है आपका, बेसिक से लेकर एडवांस तक आप सीखेंगे इसके अंदर। कहने के लिए बेसिक है लेकिन आपको एडवांस की बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मिलने वाली है। तो आने वाले सभी वीडियो बने रहिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही कोर्स की वीडियोज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर मिलने वाले हैं।